नमस्कार। आज हम राजस्थान का मसूर पराठा बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये छिलके वाली दाल ली है। इसको मैंने अच्छे तरह से कपड़े से पोंछ लिया है और इसको हम दरदरा पीसेंगे। ये देखिए, मैंने दाल को दरदरा पीस लिया है। हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको 2 घंटे के लिए हम भिंगो देंगे। 2 घंटे के बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए, 2 घंटे हो गए हैं दाल भीगते हुए। ये हमारी बिल्कुल भीग के तैयार हो गई है। और इसमें हमें और जो सामग्री चाहिए उसमें ये हमने प्याज लिया है। ये देखिए, बिल्कुल महीन महीन काटा है इसको। हरी धनिया, हरी मिर्च 2 ली हैं, लहसुन लिए हैं 7-8 कलियां लहसुन की हैं, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, अजवाइन, जीरा, सौंफ पाउडर, तेल 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ये हींग। सबसे पहले हम ये सबसे पहले हम बाउल में ये एक पैन में इसको दाल डाल लेंगे। और ये प्याज डालेंगे। हरी मिर्च, हरी धनिया, लहसुन, हींग, ये अजवाइन है, अजवाइन को हम टच करके डालेंगे, जीरा, सौंफ पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाला है और ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। और ये 1 चम्मच तेल, और इसको हम सबको मिला लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको मिला लिया। मसाला मिलके हमारा तैयार हो गया है ये सभी। और अब हम इसमें आटा डालेंगे। ये एक बाउल आटा लिया है हमने, इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिलाएंगे। इसी से ही हम, क्योंकि दाल हमारी, जो दाल में पानी है, प्याज में, इसी से हम आटा लगाएंगे। और इसको मार के हम तैयार कर लेंगे। बस देखिए, इसमें हमको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही मड़ के ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, आटा हमारा मड़ के तैयार हो गया है। अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। देखिए, आटा हमारा तैयार हो गया है, 15-20 मिनट हो गए हैं। देखिए, और अब हम बनाना शुरू करेंगे। लोई काटेंगे पहले हम, इस तरह से, बहुत बड़ी बड़ी नहीं काटेंगे, छोटी छोटी लोई बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से लोई काट करके। देखिए, हमने इसमें आटा को इसमें से डस्ट कर देंगे और अब हम बेलेंगे। इस तरह से ये देखिए, देखिए इतना मोटा हमने बेला, ज़्यादा पतला हमको नहीं करना है। इतना बेल के अब हम इसको सेकेंगे। देखिए, तवा हमारा गर्म हो गया है और इसमें हम ये डाल देंगे, और थोड़ा नीचे सिक जाएगा तब हम इसको पलटेंगे। तब तक हम दूसरा पराठा तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमारा पराठा सिक तैयार हो गया है और हम इसी तरह से दूसरा सेकेंगे, उसको निकाल लेंगे। देखिए, कितना बढ़िया पराठा बनके तैयार हुआ है।
देखिए हमारा नीचे से सिक गया है, हम इसको पलट लेंगे और इसमें घी लगाएंगे। इधर से भी पलट देंगे और इधर भी हमें घी लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको सेकेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए हमको मीडियम आंच पर ही इसको सेकना है। धीमे धीमे आंच पर हम इसको सेकेंगे। देखिए हमारे राजस्थान के मसूर कोरमा पराठे बनकर के तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बने हैं। इसे देखिए हमने रायते के साथ सर्व किया है, आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसे लगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, नमस्कार।